देखिए, एक हमने PYQ लिया है। ये PYQ मैंने मतलब बहुत ही बेस्ट बेस्ट, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए, बहुत सारे स्कूल्स के पेपर, हर साल बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। उन सभी पेपर से निकाल के मैंने एक क्वेश्चन को चुना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्कूल में बार बार आया है, सेम क्वेश्चन ही आता है, वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ये सेम क्वेश्चन होती है, वैल्यू भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक 200 वोल्ट की बैटरी को लिखा है अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट की बैटरी से, 10 वोल्ट को 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है और 38 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। अब वो कह रहा है, मतलब फिगर में देख लो भाई, ये है पूरा माहौल, ये है कि 10 वोल्ट, 200 वोल्ट, 38। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको करंट निकालना है। अब देखिए, ये जो सर्किट है काफी सिंपल है, लेकिन इस सर्किट के अंदर, दोबारा, सर्किट तो बहुत सिंपल है पर इस सर्किट के अंदर गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि दो बैटरी लगा दिया। अगर उसने बोला कि भैया इस सर्किट के अंदर तू करंट फाइंड कर, क्या बोला उसने, करंट फाइंड कर। तुम बोलोगे यार करंट कैसे फाइंड करते हैं, करंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ओम्स लॉ याद आएगा। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन मुद्दा ये है कि V का मतलब होता है वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज। यहां दो दो बैटरी है, एक 200 वोल्ट है, एक 10 वोल्ट है। अब यहां पर 10 यूज करोगे, 200 यूज करोगे, मामला गड़बड़ हो गया ना। तो हमें दो दो वोल्टेज दे रखा है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए आप करंट नहीं निकाल पाओगे। तो इस दो वोल्टेज को हमें एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस दो वोल्टेज को एक में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका ध्यान रखना। तरीका क्या है, देखो तरीका बता रहा हूं, ट्रिक। ये ट्रिक मैंने बना रखा है, बहुत गजब ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको करंट निकालना है। तो मान लो हम 200 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालते हैं। तो मैंने करंट निकाला, बैटरी के प्लस से हमेशा करंट निकालना है। तो हमने माना कि भाई ये बैटरी का सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है, बड़ा वाला, उससे मैं करंट निकालता हूँ। तो मान लो करंट की वैल्यू है I1। तो सर बैटरी तो यहां भी है, बैटरी तो ऊपर भी है, तो बैटरी के प्लस से, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक बता रहा हूं मैं, जिसमें दो बैटरी लगाओ, दो बैटरी, इस बैटरी के प्लस से भी करंट निकाल दो। मान लो वो करंट है I2, सुनते रहना बस, I2। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, I1 I2 को ठोक रहा है। I1 चलता हुआ, I2 चलता हुआ आ रहा है, I1 जा रहा है, और दोनों आपस में टकराएंगे। दोनों आपस में, जब भी दो बैटरी लगी हो और दोनों बैटरी एक दूसरे करंट को कैंसिल करने वाली हो, मतलब एक का करंट चलता हुआ ऐसे आ रहा है और एक का करंट चलता हुआ ऐसे जा रहा है, क्योंकि करंट हम कहां से निकालते हैं, बैटरी के प्लस से, बैटरी के बड़े वाले हिस्से से हम करंट निकालते हैं। तो जब भी दो बैटरी लगा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है कि इसका करंट जो होगा ऐसे जाएगा, इसका करंट ऐसे जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल होगा। और जब भी करंट कैंसिल हो रहा हो, क्या बोला मैंने, जब भी करंट, आप बैटरी को शॉर्ट, मतलब बैटरी को इजी बना, बैटरी को क्या करोगे, आप समझ गए आप कि भाई इस वाले बैटरी को ये वाला बंदा कैंसिल कर रहा है, इस वाले बैटरी को ये वाला बंदा, क्योंकि इसके करंट को, जो करंट ऐसे आने वाला है, इसका करंट कैंसिल करने वाला है, यानी दोनों बैटरी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जीतेगा कौन, 200 वोल्ट जीत जाएगा। तो आप बोलोगे देखो भैया, ऊपर वाले बैटरी को मैं गायब कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा 38 ओम। क्या लिख दूंगा, 38, और जो नीचे वाला सिस्टम है मेरा उसको 190 कर दूंगा। बोलो 190 मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये 200 है, ये 10 है, और दोनों आपस में दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 190 वोल्ट। तो हमारे पास सिंपल सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। और सिंप्लीफाइड सर्किट क्या कहता है, सिंप्लीफाइड सर्किट ये कहता है कि अब सॉल्यूशन में आप ओम्स लगा दीजिए। ओम्स लॉ कहता है जो नेट वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज, वो होगा टोटल करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है कितना है, 190। हमें नेट करंट निकालना है और नेट रेजिस्टेंस कितना है, 38 ओम। तो यहां से कट करोगे तो 5 एम्पियर का करंट आपको दिखाई देगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको हम चाहे तो किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि क्या है, तो डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को, एक तो हमने सर्किट सिंप्लीफाई करके किया,
और इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं। अब किरचॉफ्स का कौन सा लॉ लगाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा 99% पे वोल्टेज लॉ लगाता हूँ प्यारे बच्चों। तो किरचॉफ्स का केवीएल लगाने के लिए आपको लूप मानना पड़ता है। तो आप मान लीजिए आपको कहीं बैटरी के एक हिस्से से करंट निकालना होता है, तो मान लीजिए आपने बैटरी के एक हिस्से से करंट निकाला। देखिए जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो किरचॉफ्स लगाते वक्त एक बैटरी को चुन लेते हैं, बड़े वाले बैटरी को चुन के वहां से हम करंट निकाल देते हैं। अब करंट निकाल के ये करंट इसमें पूरा फ्लो हो रहा है, यही करंट फ्लो होगा। जब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो दूसरी बैटरी से करंट नहीं निकालेंगे। क्या बोला मैंने? जब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे दूसरी बैटरी से करंट नहीं निकालते। तो हम किरचॉफ्स से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब मैं किरचॉफ्स वाला क्वेश्चन कराऊंगा तब इसको कराऊंगा, अभी फायदा नहीं है, बहुत सारे बच्चों किरचॉफ्स रिवाइज नहीं होगा। तो जब हम किरचॉफ्स टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको किरचॉफ्स वाले तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपको मैंने सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराया कि जब भी दो बैटरी का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो, अब बैटरी को आपस में माइनस कर दो और बड़ा वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला जीत गया, बड़े वाले ने इधर इस तरफ करंट निकाला और इस तरफ जो करंट निकाला प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली, हमने कहा भैया एक वोल्टेज हमें बनाना है दो को। क्या बात समझ में आ गया? पक्का? अरे आगो ना आगो आगो। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू अ फ्लो ऑफ इतने चार्ज पर सेकेंड, एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। कह रहा है इतने सारे एलिमेंट्री चार्ज। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इजी है, पर दिस इज नॉट इजी क्वेश्चन। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रूफ दैट 1 एम्पियर। आप प्रूफ कीजिए कि 1 एम्पियर के अंदर यानी करंट की वैल्यू। चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1 एम्पियर की करंट की वैल्यू दी है 1 एम्पियर और टाइम दी है पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है कितना होता है? 1 सेकेंड। और टाइम दिया हमें 1 सेकेंड। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भैया 1 एम्पियर और 1 सेकेंड में इतना एलिमेंट्री चार्ज होगा। देखिए एलिमेंट्री चार्ज का मतलब आप ध्यान रखिएगा, आपको बता रहा हूं, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछते हैं। देखो जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप इस वर्ड को समझो। एलिमेंट्री चार्ज जब भी आपसे कोई बोले तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? मेरी बात नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि जब भी आपको एलिमेंट्री चार्ज बोलेगा कंफ्यूज करने के लिए, वर्ड ऐसे है ये, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते चीजों को हम सीख रहे। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए जो आमतौर पर आप नहीं कर पाओगे खुद से। तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगेगा आपसे। अब आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा मैं, तो आपको दिमाग लगाना है। सर क्या दिमाग लगाना है? बड़ा आसान, आपको ऐसे लिखना है कि सर करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम। क्या बात है सर, सर सर सर, लेकिन वो तो हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है सर। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज के फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। कैसे होता है? एन इंटू ई अपॉन में टाइम। सर सर सर, तो यहां पर एन का मतलब आप क्या कह रहे हो? सर एन का मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो क्या? हाँ सर। ई का मतलब क्या होगा फिर? अरे बेटा ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹? तो सर आपने बोला नीचे एक चीज और रह गया सर, टाइम रह गया। हाँ भाई टाइम तो रह गया। देखो हम चीजों को सीख रहे, हम भाग नहीं रहे, हम क्वेश्चन करना सीख रहे। तो सर आप ये कह रहे हो कि सर I का मतलब करंट होता है, N का मतलब ये होता है, E की वैल्यू ये होती है और मुझे निकालना क्या है? N। तो कैसे निकालेंगे N मुझे बताओ? तो करंट की जगह पर कितना पुट करूं बताओ? 1 पुट कर दूं? N मुझे निकालना है और टाइम की जगह कितना पुट कर दूं? और बगल में कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बेटा अब N यहां से निकालोगे, N सुनो, एन निकालोगे तो बताएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ और जब ये ऊपर जाएगा तो पता है कितना बन जाएगा? इसको याद कर लो,
1/1.6 का आंसर आता है 6.25 10 की पावर 18। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अगर वो कभी एलिमेंट्री वर्ड यूज करे, क्या यूज करे, अगर वो एलिमेंट्री वर्ड यूज करे तो आप समझ जाओ क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन की यही खास बात थी, और तो बाकी तो आपको आता ही था, नोट कर लो मेरी बात सुनो। ये क्वेश्चन थर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जमाने के हिसाब से। दिस इज ऑल्सो PYQ, दिस इज ऑल्सो PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो भी कह रहा है, कह रहा है देखो, फिगर शोज अ प्लॉट, फिगर दिखाऊंगा, करंट वर्सेस टाइम, 10 सेकंड का टाइम आई में है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो आपको ऐसे ग्राफ मिलेंगे, दिस इज अ ग्राफ। अब इस ग्राफ में वो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफ बनाया गया, इधर एम्पियर, एम्पियर मतलब इस तरफ है करंट और इस तरफ है टाइम सेकंड में। अब जीरो से लेके 10 सेकंड तक आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ स्टार्ट यहां से हो रहा है, धीरे धीरे फिर ऐसे जाके यहां खत्म हो रहा है, और सारी वैल्यूज दी हुई है कि भाई यहां तक की हाइट 5 है, ये 5 है, 10 है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ सिंपल है कि भैया चार्ज बताओ, चार्ज क्या बताओ। तुम बोलोगे यार ये क्या बात है सर, आपने तो कभी सिखाया ही नहीं ग्राफ देके चार्ज निकालना, तो बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए अगर हम करंट की बात करें तो होता है चार्ज अपॉन में टाइम, सुना आप लोगों ने, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज बताओ, करंट इंटू में टाइम, चार्ज क्या हुआ, करंट इंटू में। तो आप सोचो एक साइड है करंट और एक साइड क्या है, अगर मैं कहूं इधर है टाइम, इधर क्या है करंट, अरे ऊपर करंट है ना, और इधर क्या है टाइम। तो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइड, देखो ना आपसे कह रहा है साइड इंटू, अरे यार आप मुझे बताओ कि चार्ज कब निकलेगा, जब करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करंट ऊपर है टाइम नीचे है, तो एक तरह साइड इंटू साइड हो गया ना ये, तो होता है एरिया, क्या होता है, यानी जो चार्ज निकलेगा वो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और एक साइड है करंट, एक साइड क्या है टाइम, और साइड इंटू साइड क्या होता है एरिया। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो, तो एरिया यानी जब भी आपको करंट का और टाइम का ग्राफ दिया हो तो चार्ज किससे निकलता है, एरिया से निकलता है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे भैया चार्ज माने एरिया, चार्ज माने, चार्ज माने एरिया, तो एरिया निकाल लेते। तो एक तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया कहाँ होवे, कहाँ होवे है, हाफ बेस इंटू हाफ हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस प्लस इसे रेक्टेंगल का एरिया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू जो मर्जी कर लो। आगे समझ में बात, अरे होगा ना, होगो होगो कहा होगो, कहा होगो क्वेश्चन होगो, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अरे यार ना होगो, मुझे यही कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये ध्यान, चलो मिटा देता हूँ मैं, सीख गए ना ये बात। तो यहां से हमारा चार जाएगा एरिया से, तो हाफ बेस इंटू हाफ, अरे ये कहा होगो, चलो हाफ, हाफ बेस कितना है, बेस ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस 5, हाइट कितना है ट्रायंगल का 5, प्लस साइड कितना है साइड रेक्टेंगल का 5, 5 से 10 के बीच में 5, और हाइट दूसरा कितना, वो भी 5, तो आ गया 25/2 + 25, समझे ना समझे, 25/2 + 25 75/2, समझे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन अच्छा था ना, कि जब भी करंट और टाइम का क्या दिया हो, ग्राफ, तो चार्ज कैसे निकलेगा, एरिया से। इस कॉन्सेप्ट को लिख लो फिर आगे बढ़ते। देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रियली प्यारा। अब ये क्वेश्चन आने के लेवल अब है, मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे टफ वाले, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड्स का लेवल बढ़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड्स एग्जाम में। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, और मैंने अपनी थ्योरीज में इसे पढ़ाया है, वैसे ये भी एक PYQ है, पर ये मैंने थोड़ा सा जेई टाइप से रेफरेंस लिया है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर, एक कोई वायर है, दिस इज अ वायर,
और इस वायर से जो चार्ज पास हो रहा है, जो चार्ज पास हो रहा है ना, चार्ज ध्यान देना, उस चार्ज का वैल्यू दे रखा है टाइम के हिसाब से, ये क्यू और टी, जब भी ब्रैकेट में टी लिखा हो ना, इसका मतलब होता है कि आगे टी होगा, आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब होता है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि चार्ज फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, तो जब भी ब्रैकेट वाला टी लिखा हो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती जब क्वेश्चन सॉल्व करते। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। अब क्वेश्चन कहता है कि भैया राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी, ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, कि जब भी इक्वल का साइन हो ना, इक्वल का साइन और बीच में प्लस या माइनस हो, तो तीन ऐसे जितने भी है सबके हिस्से कर लो। आप चार्ज को ए टी स्क्वायर के बराबर लिख दो डायमेंशन फाइंड करने के लिए। क्या बोला मैंने? डायमेंशन फाइंड करने के लिए ए टी स्क्वायर को चार्ज के बराबर कर दो। फिर चार्ज को बी टी के बराबर ले लो, चार्ज इज इक्वल टू बी टी, यानी जो इक्वलिटी का साइन है सबको अलग अलग कर दो, ए टी स्क्वायर चार्ज, बी टी की वैल्यू भी चार्ज के बराबर और सी की वैल्यू भी चार्ज के बराबर, सी की वैल्यू भी चार्ज के बराबर। मेरी बातें समझे? जब भी आपको डायमेंशन फाइंड करना हो सबको तोड़ तोड़ के बराबर रख देना है। अब यहां से आपको ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो? मान लो मुझे ए का डायमेंशन फाइंड करना है, तो मैं चार्ज के नीचे किसको ले जाऊंगा? टी स्क्वायर को, और यहां से मेरे को ए का डायमेंशन क्या मिलेगा? देखो ए का डायमेंशन बड़ा आसान है, चार्ज के लिए आप कूलम ही इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? सी इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सी, और नीचे क्या? टाइम, टाइम के लिए टी स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन पता है क्या आ जाएगा? ए का डायमेंशन आ जाएगा सी टी माइनस टू। ए का डायमेंशन क्या आ गया? सी टी माइनस। तो आपने ए का ऐसे निकाल लिया, यहां से आपको बी का निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में टी, नीचे टी आ जाएगा, तो चार्ज का तो सी लिख लेना और नीचे का टी ऊपर आ गया, बच जाएगा टी माइनस वन। तो सी टी माइनस वन किसके लिए हो जाएगा बताओ? बी के लिए। तो हम कहेंगे भैया देखो ए का तो हो गया, यहां से अगर हम बी का निकाले तो वो सी टी माइनस वन आएगा इसका डायमेंशन, और जब आपको सी का निकालना है तो किसके बराबर आएगा? सी का डायमेंशन किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मैंने आपको करना सिखाया। जब भी आपको प्लस माइनस दिखाई दे या प्लस माइनस दिखाई दे सबको तोड़ के लिख लो और वहां से ए बी सी सबका निकाल लो। तो क्वेश्चन था फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नीट या जेई में आने के चांसेस है, बोर्ड्स में आने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जब से लेवल बढ़ रहा है। अब मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है अगला। ये तो मैंने रफ क्वेश्चन करा दिया आपको, लेकिन ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आएगा। कह रहा है द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर 5, 3 एंड 1। कह रहा है एबीसी की वैल्यू दे रहे हैं आपको हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर वो हमें एबीसी की वैल्यू दे रहा है तो हमारा चार्ज का जो बन जाएगा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? ए की जगह पर 5 है तो 5t स्क्वायर, बी की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ? 3t प्लस सी की जगह पर 1। अब हमें वो क्वेश्चन दे रहा है ऐसा। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एट 5 सेकंड पे करंट निकालो। क्या निकालो? और जब भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपको पता होगा ये सारे बच्चों को जो भी मुझसे पढ़ते हैं, कि जब भी किसी क्वेश्चन में एट लिखाओ, एट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया बेटा, आप सब बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। एट का मतलब होता है क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना। ये याद कर लो, पूरी फिजिक्स में कहीं भी एट दिखाई दे तो दिमाग में रखना है कि डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होने वाला है। तो आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में उसने बोला एट 5 सेकंड, तो आप बोलोगे इसने बोला करंट, तो करंट का एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन वाला, कौन सा वाला होता है? dq/dt। तो आप बोलोगे ये वाला क्वेश्चन जो है वो dq/dt से ही सॉल्व होगा। तो आपको चार्ज पता ही है, ये रहा चार्ज 5t² 3t+1, इसका करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब भी एट लिखा हो तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा इसका? 5 × 2 = 10 और यहां पर 1 है तो 3 × 3 = 3 रहेगा, तो यहां जाएगा 10t 10 × t + 3 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसका देखो 5 × 2 = 10 और एक घटने के बाद t बचेगा,
वन इंटू थ्री थ्री, घटने के बाद हो जाएगा जीरो, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन टी प्लस थ्री आएगा करंट। अब आपको टाइम पुट करना है, टाइम कितना बोला है 5 सेकंड, तो बोला है करंट की वैल्यू 5 सेकंड पे, तो करंट निकाल लिया हमने, अब 5 सेकंड पुट कर दो। तो अगर 5 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5 10 50 + 3 53 एम्पियर। तो 5 सेकंड पे 53 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम दिमाग के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे, डन। अच्छा अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए जैसे जैसे मैं सी से इसको लिख रहा हूं ना, जैसे एक बच्चे ने पॉइंट किया है, सही बात है, जब इसको हम सी से लिखते हैं तो बेसिकली ये वैसा लगता है, ऐसा यूनिट की तरह लगता है। तो हमने एक तरीका निकालते हैं यहां से, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और हमें ना करंट का डिफाइन किया गया था, ठीक है। करंट का जो होता है, ध्यान दो, करंट का होता है एम्पियर, करंट का एम्पियर होता है, टी का टाइम होता है। तो चार्ज के लिए हम एटी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से यूज कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी जगह पे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में सी भी यूज किया होता है, ठीक है। तो यहां पर आप एटी यूज कर सकते हो, एटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटी। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा एटी इंटू टी की पावर माइनस टू, हाँ ये ऐड हो जाएगा ना, माइनस वन हो जाएगा, सॉरी। फिर सी की जगह पर आप क्या लिख देंगे बताओ, एटी लिख देंगे, हर बार सी की जगह पर एटी लिख देंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे भी लग रही थी, पर कन्फ्यूजन इन द सेंस कि ये सी है इक्वल टू सी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में जब आप नीट या किसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सी के फॉर्म में भी आंसर रहता है बहुत जगह। तो अभी फिलहाल आप चार्ज को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, वैसे तो करना चाहिए चेंज, आप चेंज कर लेना, ठीक है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। प्लीज चेंज इट कि चार्ज इज इक्वल टू ए इंटू टी एम्पियर इंटू टाइम। प्यारे बच्चों नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग PYQ, एक बहुत ही अच्छा PYQ है, मतलब ये कह सकते हो कि भाई आज के जमाने के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इमेजिन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल भाषा में कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि यार बात ऐसी है, इन अ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है, उस ऑर्बिट का रेडियस इतना है, कि भाई ठीक है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसका जो रेडियस है वो दे रखा है, और कह रहा है स्पीड इतनी है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतनी स्पीड से घूम रहा है, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड करंट, फाइंड द करंट। अब भाई देखो करंट फाइंड करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है चार्ज, और तुम्हें चाहिए होता है टाइम। तो भाई चार्ज तो कही रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो तुम्हें पता ही है 1.6 × 10⁻¹। एक इलेक्ट्रॉन है q = ne, जहां एक ही इलेक्ट्रॉन बोला है, n इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज पता ही है, मुद्दा हो गया टाइम का। अब टाइम कैसे निकाले, अगर हमें टाइम मिल जाए, क्या बोला मैंने, हमें टाइम मिल जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, करंट, हमें क्या निकालना है, करंट, करंट होता है चार्ज अपन में टाइम, चार्ज हमें पता है, टाइम मिल जाए तो काम हो जाए, सारा का सारा सिस्टम है टाइम फाइंड करने का। तो टाइम के लिए पता उसने क्या दिया, तुम्हें सोचो क्या दिया है, टाइम के लिए उसने चालाकी से क्या दिया है, स्पीड दिया है, क्या दिया है, और रेडियस दिया है। तो जब भी आपको टाइम निकालना हो आप निकाल लिया करो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का बेसिकली देखो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां से मैं टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से हम टाइम निकालेंगे, टाइम पता क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब उसने बोला है कि डिस्टेंस कैसे निकाले भाई, ये सोचने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन यही पहुंचा, तो हम जो डिस्टेंस ले रहे हो लेंगे 2πr, कितना ले लेंगे हम, और जो स्पीड लेंगे वो तो हमें पता ही है स्पीड कितनी लेनी है भाई, स्पीड कितनी लेनी है, ये रहा 2.2 × 10⁶।
तो 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई की जगह लिख देंगे 22/7 या फिर 3.14 लिख दो। और रेडियस की जगह कितना लिख देंगे, रेडियस की जगह पे 5 × 10⁻¹¹। और नीचे दिया हुआ है 2.2 × 10⁶। आप ट्राई करना कि इसको सॉल्व करना, चाहे तो पाई की वैल्यू 22/7 लोगे। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 लेने से फायदा क्या पता तुम्हें? अगर मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया तो उससे ये फायदा है कि इस पॉइंट को हटाने के बाद ऊपर 10 आ जाएगा, 10 है ना, और 22 से 22 कट जाएगा, तो इजी पड़ जाएगा मेरे लिए। तो अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम, क्या मिल जाएगा आपको? अब उस टाइम को कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, तो आपको हाथ में क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बताओ, करंट। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें टाइम वाइम निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा बताओ सर्कल के लिए? 2π, और स्पीड हमें गिवन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे नोट कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है एन आर्क लैंप ऑपरेट्स, ये जो चीज दी होती है ना, जब भी कुछ ऐसा लिखा हो मार्क किया गया है उसके ऊपर लिखा गया है कि भाई ये 80 वोल्ट 10 एम्पीयर पे चलेगा। तो एक आर्क लैंप ऑपरेट्स एट 10 वोल्ट 10 एम्पीयर। तो बोला है कि भाई सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट विथ 240 वोल्ट डीसी, कि हमें एक लैंप है, ठीक है, ये कोई लैंप है, लैंप, इस लैंप के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है कि ये इतने पे ऑपरेट होता है। देखिए जब भी कहीं पर ऐसा लिखा हो कि भाई इतना इतना कुछ है, तो ट्राई क्या करो कि यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सको। जब भी कोई चीज लिखा हो ना, जैसे कभी लिख दिया ऐसा कि एक मोटर है, मैंने आपको पढ़ाया होगा लेक्चर्स में, एक मोटर है जिसपे 240 वोल्ट लिखा है, 100 वॉट लिखा है, तो कहीं भी ऐसा लिखा होता है ना दो चीजें साथ में, तो ट्राई क्या करो कि वहां से रेजिस्टेंस निकल जाए। तो चलो वो तो बात की बात है। तो एक आर्क लैंप है, इतने पे ऑपरेट हो सकता है। तो कह रहा सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट विथ अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते हैं, क्यों आपसे कह रहा है कि भाई इसको हम 240 वोल्ट डीसी से जाते लगाना है ना, कि जाते 240 वोल्ट डीसी से ऑपरेट करना चाहते, लेकिन साफ दिख रहा है कि इसकी जो औकात है वो 80 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? लेकिन आप चाहते हो 240 अप्लाई करना, तो आपको, आप मेरी बात को समझो, तो साथ में आपको कुछ और भी लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। मेरी बात ही समझे, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि एक लैंप है जिसकी औकात है 80 वोल्ट झेलने की और 10 एम्पीयर करंट को खाने की। अगर 80 वोल्ट से ज्यादा दे देंगे तो लैंप खराब हो जाएगा, 10 एम्पीयर से ज्यादा देंगे तो लैंप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी हम ये चाहते हैं इस उसकी औकात है एक तरह से, इसके अंदर करंट ना 10 एम्पीयर का ही रहे, क्या रहे, 10 एम्पीयर का करंट रहे। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं, दोबारा बोलो क्या ये टफ क्वेश्चन। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो करंट रहे 10 एम्पीयर का ही रहे, और जो इसकी जो वोल्टेज है वो 80 वोल्ट से ज्यादा ना हो। तो भैया आप लगा कितना रहे हो, 240, यानी आपको इसके बगल में कोई और बंदा भी लगाना पड़ेगा। तो वही पूछा है, जो आप लगाओगे बगल में, मान लो हमने बगल में स्मॉल आर लगा दिया अपने मन से, या फिर कोई एक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्स, बगल में कुछ तो लगाओगे एक्स नाम का बंदा जो 240 को यूज करे, वरना पूरा का पूरा इसको मिलेगा ये तो मर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, कि क्या आप लगाओगे उस एक्स को निकालो, कोई तो इलेक्ट्रिकल चीज लगाओगे यहां पे, उस एक्स को निकालो, तो हमें इस एक्स को निकालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, यानी एक्स के रेजिस्टेंस को निकालना है, एक्स के रुकावट को निकालना है, कि भाई क्या कितना रेजिस्टेंस लगाओगे यहां पर, कोई चीज तो लगाओगे, कोई तो वायर लगाओगे, वो वायर कितना लगाओगे कि 240 वोल्ट को वो खा जाए, मतलब 240 वोल्ट के कुछ हिस्सा ये खा जाए और जो बचा हो 80 के आसपास इसको मिल जाए, लैंप को मिल जाए। तो
तो इस एक्स का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इस एक्स को निकालना है। अब मेरी बात सुनो, अब हमने दिमाग लगाया, हमने क्या दिमाग लगाया, हमने कहा यार इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है वी नेट, ओम्स लॉ कहता है वी नेट इज इक्वल टू आई नेट इनटू में आर नेट। अब मुझे वी नेट पता है 240, मुझे आई नेट पता है कि भाई 10 एम्पियर ही फ्लो होना है, कितना फ्लो होना है, बात नहीं समझ में आई, अरे 10 एम्पियर ही फ्लो करवाना है ना मुझे, 240 देना है, 10 एम्पियर फ्लो करवाना है, तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा ये सोचना है। तो एक रेजिस्टेंस इसका होगा, एक रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कहां से निकालेंगे ये सोचने वाली बात है। तो इसका रेजिस्टेंस हमें इससे मिलेगा, मैंने कहा ना जब भी कहीं लिखा हो ना ऐसा तो यहां से रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो हम ना लैंप का रेजिस्टेंस निकाल रहे, किससे निकाल रहे हैं, क्योंकि लैंप का ये वोल्टेज और लैंप का करंट है, तो लैंप का रेजिस्टेंस कैसे आएगा बताओ, V इज इक्वल टू आई आर लगा दे तो यहां से करंट, करंट पता है रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो 80/10 से क्या निकल जाएगा रेजिस्टेंस, कितना निकलेगा रेजिस्टेंस 8 ओम, गलती हो गई भाई, 8 ओम आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो लैंप का रेजिस्टेंस आपको हमेशा इससे मिलेगा। मैंने पढ़ाते वक्त ही बताया था कि जब भी ऐसे दो चीजें साथ में उससे क्या निकलता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा लैंप का। और एक्स हमें फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख दोगे बताओ, आर प्लस एक्स, मतलब 8+ कितना हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाना था कि भैया हमारा जो लैंप है वो 80 वोल्ट झेल सकता है, पर आप कितना लगाना चाहते हो 240, तो उसके बगल में कोई बंदा लगाना पड़ेगा जो रोके, जो रोके, तो रोकने वाले बंदे को हमने एक्स माना, और ओम से कहता है वी इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए, वी पता ही है, आई पता ही है, रेजिस्टेंस अब दो हो जाएंगे, कि ये जो खुद का है उसका लैंप का, और एक जो हम लगाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ताकि हमारा लैंप खराब ना हो। तो यहां से आपका जो एक्स निकल के आएगा तो 240-80 इज इक्वल टू 10x, कितना होगा 160/10, कितना लगाना पड़ेगा 16, तो हमें एक 16 ओम का बंदा यहां लगाना पड़ेगा ताकि वो इस वोल्टेज को खाए और थोड़ा बहुत ही वोल्टेज ऊपर पहुंचे जिससे लैंप खराब ना हो। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत गजब, इसे नोट करो अच्छे से। सो लेट्स हैव अ PYQ। ये क्वेश्चन बाय चांस किस्मत अच्छी है कि जो PYQ है इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटे मेरे बच्चों, ओ रो, रो निकालने के लिए कह रहा है हमसे। और बातें क्या क्या कह रहा है कि रहा भैया रो निकाल के दिखाओ, एक मटेरियल का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10^-3, डायमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी की डिमांड कर रहा है, फिर तो दिमाग में आया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला होगा, सॉल्यूशन में हम बोलेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब रो निकालना है, R की वैल्यू 10 पुट कर दो, रो मुझे निकालना है, सॉरी R की वैल्यू 20 है ना, R की वैल्यू 20 पुट कर दो, रो मुझे निकालना है, लेंथ कितना, लेंथ 10, और एरिया क्या होता है पाई R का स्क्वायर, एरिया ऑफ द वायर क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल सिलेंड्रिकल वायर का एरिया सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर, जब आप निकालोगे पाई इंटू रेडियस, तो यहाँ तो डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बच्चे यहीं फंसते, डायमीटर दिया हुआ है आपको रेडियस निकालना है, तो डायमीटर क्या होगा 0.4/2×10^, इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर रेडियस आएगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.2, कट जाएगा ये 0.2×10^-3 का स्क्वायर। तो यहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे तैसे करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो यहां से आप निकाल लेना रो। अब तुम बोलोगे सर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे यार, टाइम खराब होगा,
जहां में 30 क्वेश्चन करने हैं वहां पर हम 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, मैं अगर पढ़ गया इनके चक्कर में। तो घर पे आप प्रैक्टिस करो, खुद कैलकुलेट करो, ठीक है? और वैसे भी एग्जाम में कैलकुलेशन के आधे मार्क्स होते हैं, अगर आप नहीं भी कर पाए ना 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है? क्योंकि उनको भी पता है भाई इंसान है। अरे शानदार क्वेश्चन है ये, क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए। लिखा है अ वायर 10 ओम रेजिस्टेंस, कि भाई किसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको हमने स्ट्रेच किया है 3 गुना, थ्राइस, 3 गुना खींच दिया ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में। मतलब कि पहले अगर वो इतना लंबा था, एल लेंथ था, तब उसकी लेंथ हो गई है 3L, 3 गुना खींच दिया हमने उसको। तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी? ध्यान रखना बेटा, खींचने से कभी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने? खींचने से रेजिस्टिविटी चेंज, तो वो सेम ही रहेगा, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता खींचने उछने से, काटने पीटने से। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आगे लिखा है भैया न्यू रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान रखना, जो नया रेजिस्टेंस होता है आर न्यू, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया होगा, नया रेजिस्टेंस हमेशा एन स्क्वायर गुना पुराने रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस हमेशा क्या जाता है? एन स्क्वायर गुना पुराने। अब एन क्या होता है? कितनी बार आपने खींचा है। तो यहां पर एन की वैल्यू है 3, 3 मतलब थ्राइस। तो हम बोलेंगे भैया जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो जगह एन का स्क्वायर, एन मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में पुराना, पुराना कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10 90 ओम। तो पहले अगर 10 था तो अगर उसको 3 गुना खींच दोगे तो बाद में 90 ओम हो जाएगा। इसका मेरा डिटेल पढ़ना है तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, नोटबुक में एक बार पढ़ लेना आ जाएगा, वरना फिर लेक्चर वक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये बहुत ही बेस्ट था, इसे नोट कर लो, मैंने करना सिखा दिया आपको कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। न्यू रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है? ये हमने थियोरीज में पढ़ा है, बहुत ही बेस्ट है, आगे बढ़ते। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मैंने चुना है, ये आपका PYQ है। क्या ये PYQ? क्वेश्चन कहता है अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm². कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हमने इतना लगा दिया, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, और आपको ये रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर क्यूबिक मीटर। समझते हो क्यूबिक किस में होता है? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किस में होता है? वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब दे रखा है, समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, अ कॉपर का वायर है, तो एक कॉपर का वायर बना लो, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, सब बातें नोट करते रहो, और आपको वोल्टेज दे रखा है वोल्ट, 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। कह रहा है कैलकुलेट, हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड, हमें ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, और आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है एन, दे रखा है एन, एन दे रखा है 8 × 10^28। अब देखिए आपको अगर ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? VD, VD को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो VD का फॉर्मूला होता है एक्सेलेरेशन इनटू टाउ, VD का फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई एम बाई टाउ, या फिर VD का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू VD NEA। समझ रहे हो? आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। पहला पढ़ा आपने एक्सेलेरेशन इनटू टाउ, दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मास की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, अब और तीसरा आपने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू VD NEA। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? तो मुझे लास्ट वाला लगता है। बोलो क्यों? क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले क्या चाहिए? टाइम, एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। अब ये दोनों ही गिवन नहीं है, अगर दोनों ही गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है VD निकालने के लिए। बोलो क्यों? करंट में निकाल ही लूंगा, रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट आ जाएगा, एन दे रखा है, ई पता ही है, एरिया पता ही है, एरिया पता है ना, और 1 mm², तो मैं कहेगा भाई कि भाई मैं तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। सो
सॉल्यूशन में ये ना क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि आप देख लो भाई क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन में बोला भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो? कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड। अब ड्रिफ्ट का मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए और जो मुझे बेहतर लगा उसको मैं अपने सॉल्यूशन में ले जाऊंगा। अब मैं कहूंगा भाई मेरा ना आई का फॉर्मूला है वी डी एन ई ए। अब आई क्या होता है? वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, तो करंट निकाल लो भाई। करंट होता है वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, 10/10, आंसर आ गया 1। तो करंट की वैल्यू 1 हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? वो निकालनी है हमें, वीडी तो निकालना है हमें। एन क्या होता है भाई? एन दे रखा है 8 × 10^28। भाई ई की वैल्यू 1.6 × 10^-19। भाई एरिया, अब एरिया दे रखा है 1 mm², 1 mm, तो 1 mm का मतलब हो गया 1 × 10^-3, 1 × 10^-3। और यहां पर है स्क्वायर, क्या लिखा है बेटा? स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। आप एरिया इसका सुनो, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन करके कैसे रहा हूं मैं। मुझे एरिया चाहिए, एरिया एरिया है 1 mm का स्क्वायर, तो 1 की जगह 1 रहेगा, mm की जगह mm का मतलब क्या होता है? 10^-3, उसका स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1 × 10^-6, क्योंकि mm का स्क्वायर है ना वो, तो mm का स्क्वायर कर देंगे हम, तो एरिया हो जाएगा हमारा 1 × 10^-6। देखो कन्वर्जन आना चाहिए, जिसको कन्वर्ट करना नहीं आता मैं सिखा दे रहा हूं। सीएम का मतलब 10^-2, एमएम का मतलब 10^-3, ठीक है, और उसने लिखा है एमएम का स्क्वायर, तो 10^-3 का स्क्वायर, तो ये आपका आपका यहां से वीडी निकल जाएगा, क्योंकि तो भैया ये वाली वैल्यू 1 है। वीडी आपको निकालना है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, और बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका वीडी आ जाएगा, ठीक है ना। इन सबको नीचे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बिलीव मी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, वेरी अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम द PYQ। देखिए जेन्युइनली बता रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा PYQ है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अब देखिए यहां पर ना प्यारे बच्चों एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बोला है। अब देखिए आपको पता है ये ड्रिफ्ट तो एवरेज ही होता है, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या? एवरेज ही तो होता है वो। अब लिखा है कि भाई कॉपर वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है। भाई साहब आप हमें एरिया दे रहे हो 2.5 × 10^-7, आप हमें दे रहे हो कि भैया उसके अंदर करंट करंट है 2.7 एम्पियर, क्या बात है भाई। और आप मुझे कह रहे हो कि अज्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी का मतलब पता क्या होता है? वॉल्यूम से डिवाइड करना, तो अज्यूम डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू भी इतना। अब डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने आपको पढ़ाते वक्त लिखवाया था एन का क्या क्या मतलब होता है। एन का मतलब होता है, देखो स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और जिस जब भी हम किसी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो बोला है भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी है, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन दे रखा है 9 × 10^28। जिसको नहीं पता बता दो एन को क्या पढ़ते हैं हम, एन को पढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी भी पढ़ते हैं, नंबर डेंसिटी। ये मैंने आपको थ्योरी से पढ़ाया है, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। अज्यूम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी हुई है स्मॉल एन। अब आपको आई पता है, ए पता है, एन पता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? आई इज इक्वल टू वी डी एन ई ए। तो आई की वैल्यू कितनी हो रखी है भाई? 2.7। वी डी आपको निकालना है, वी डी आपको निकाल देंगे सर। एन पता है, ई की वैल्यू पता है, एरिया, तो सारी वैल्यू यहां पुट करोगे दोबारा क्या निकल जाएगा? वी डी। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही हार्ड पेपर में दिखाई देगा आपको। मतलब अगर पेपर हार्ड बना तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, और ना क्वेश्चन दिखाई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर,
प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर है तो उसका जो प्लेटिनम बाय का रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट 5 ओम, मतलब टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर टेम्परेचर दे रखा है भैया, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कह रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है 5 ओम। फिर कह रहा है एंड एट द स्टीम पॉइंट, स्टीम का मतलब पता कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है भाई साहब जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका 5.23 ओम। अब कह रहा है व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, कह रहा है कि बात समझते हो, नहाने के लिए जो गर्म पानी है उसमें थर्मोमीटर को डाला हमने, आपको ये पता होगा हीट की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो 0 डिग्री पर 5 था, 100 डिग्री पर 5.23 हो गया। अब कह रहा है उसको हमने गर्म पानी में डाल दिया, नहाने वाले गर्म पानी में डाल दिया तो रेजिस्टेंस इतना हो जाता है, तो हॉट बाथ है कुछ, हमें नहीं पता वो हॉट बाथ कितना है, उसका टेम्परेचर नहीं पता हमें, पता है क्या हॉट बाथ का टेम्परेचर नहीं पता, अभी हॉट बाथ से मतलब क्या ये भी नहीं पता, छोड़ो। तो कह रहा है जब हॉट बाथ में डालेंगे जिसका टेम्परेचर हमें नहीं पता, द रेजिस्टेंस बिकम्स इतना, रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.795। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, इसका टेम्परेचर निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा खिचपिचा है पर इजी है, इजी पता है किसके लिए, देखो मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तुमने ये सब बातें लिखी और तुम्हें पता लग गया कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, तुमने फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, बार बार एक ही लाइन को बार बार लिखते गए 2 पन्ने कर दिए और आंसर आए ना आए, तुम कर पाए ना कर पाओ, 3 में से तुम्हें 1.5 नंबर या 2 नंबर मिले जाएगा, यही हकीकत है भाई, कि कोशिश तो किया बच्चे ने। तो अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, देखो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है ये पता लग जाए एक बार, मजा आ जाएगा है। तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रेजिस्टेंस चेंज होने वाले पे, इस पे बेस्ड है ये, रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल फाइनल इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका इसी पे बेस्ड है कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस। अब देखिए एक है आपके पास इनिशियल टेम्परेचर, सुनिए एक है इनिशियल टेम्परेचर, एक है फाइनल टेम्परेचर, आप इसको इनिशियल मान लो, क्या मान लो इसको, तो 2 फाइनल दे रखे, अगर मैं इसको इनिशियल टेम्परेचर मानता हूं तो मेरे 2 फाइनल है, कितने फाइनल है, एक 100 और एक क्या है बाथ वाला, तो हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, तो पहले मैं इन दोनों की इक्वेशन बना रहा हूं, इन दोनों की, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा टेम्परेचर निकालने के लिए, तो इन दोनों की इक्वेशन बनाते हैं, तो फाइनल कितना है 5.23, इनिशियल कितना है 5, 1 प्लस अल्फा जो पता नहीं हमें, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, कितना है 100। तो लो भैया तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया ये, अब 2 इक्वेशन के नीड क्यों पड़ रही है हमें, 2 इक्वेशन के नीड इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें अल्फा ही नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर बाय चांस, तो देखो आपको सिचुएशन दी है उसी हिसाब से काम करो। अब आप इस वाले का इक्वेशन इस वाले का बना लो, तो फाइनल कितना है बताओ, अगला इक्वेशन बना रहा हूं मैं, फाइनल कितना बताओ, फाइनल इसी फॉर्मूले से एक इक्वेशन ये बनाया आपने, इसी से एक और इक्वेशन बनाओ इसके लिए, तो फाइनल कितना, फाइनल 5.795, इनिशियल कितना है 5, अरे इस वाले से इक्वेशन बना रहा हूं, इससे ये बना लिया, ये इनिशियल ये फाइनल, अगली बार ये इनिशियल और ये, तो 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो ये 0 और ये टी, चेंज कितना हुआ टी माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो टी माइनस 0, जैसे यहां पर 100 माइनस 0 था, 100 चेंज, 100 माइनस 0 चेंज निकाला, वैसे यहां पे क्या निकालेंगे टी माइनस 0। अच्छा तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये टॉपिक ही उस पर बेस्ड है। अब एक इक्वेशन ये है आपका, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्या करेंगे हम,
अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हार्ड पेपर में ही आएगा या फिर आएगा ही नहीं? आएगा भी तो इजी कैलकुलेशन से आएगा, डिवाइड टू एंड थ्री, टू एंड वन, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, जब डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दर्द हो रहा है किसी को? डिवाइड करना अपने आप, यहां से टी निकल जाएगा टी, क्योंकि अल्फा से अल्फा उड़ जाएगा, निपट जाएगा ये, अल्फा से अल्फा निपट जाएगा, फाइव से फाइव निपट जाएगा, वन को इतना माइनस कर देना डिवीजन के बाद, टी यहां से निकल जाएगा डिवाइड करने पे, क्योंकि वेरिएबल, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे क्वेश्चन करना था ये भैया, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा कि भाई इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस, इतने पे इतना, इतने पे इतना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इक्वेशंस बनाओ, आपस में डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू निकल जाएगी। टी देख, क्वेश्चन लिखा है, एक वायर है, सुनिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, पीवाईक्यू से लिया मैंने ये। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 4R है। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था 4R। अब उसको एक सर्कल में बना दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है सर्कल में, तो सर्कल का आधा हिस्सा हो जाएगा 2R और आधा क्या हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि 4R को जब सर्कल बनाओगे तो ऊपर का 2R नीचे का 2R हो जाएगा। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? तो साफ दिख रहा है कि 2R ऊपर है, 2R क्या है, तो 2R ऊपर, 2R नीचे, दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर नेट, 1/R net इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R, 1/2। लेकिन ये 1/R net है, तो R net कितना हो जाएगा? R net उल्टा कर देंगे ना इसका, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, तो 2 ओम इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर 4R को, सॉरी 4R R होगा, सॉरी 2 नहीं का, क्या हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/R आ गया ना, तो 1/R का उल्टा क्या हो जाएगा? R। यानी हम 4R को ऐसा बना दे सर्कल, तो ऊपर 2R हो जाएगा नीचे, और जब इस 2R ऊपर 2R नीचे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? R। यानी 4R रेजिस्टेंस है, पैरेलल लगाने से कितना बचता है? R, अगर इस हिसाब से लगाया तो। अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो, समझ में आया किसी को? आ गया भाई? ठीक, देखो परेशान होने वाली बात नहीं, बात है सीखने वाली, आपसे नहीं हो रहा वो अलग मुद्दा है, आप क्वेश्चन से सीख क्या रहे वो अलग मुद्दा है। क्वेश्चन लिखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर, तीन रजिस्टर है, मान लो R1, R2 एंड R3, R1, R2, R3, कह रहा तीन रजिस्टर है पैरेलल में, इफ द टेक्स द करंट 7.5 एम्पियर, अगर हम कोई बैटरी लगाते हैं, मान लो हमने 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो उसके अंदर से नेट करंट, जो नेट करंट है आई नेट, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो 7.5 एम्पियर है, 30 वोल्ट की बैटरी, इन तीनों में से, इन तीनों की वजह से जो करंट निकाल रही है 7.5 एम्पियर है। तो कह रहा है, इफ टू रजिस्टर्स, दो रजिस्टर देखा, 10 ओम 15 ओम 12 ओम, फाइंड द थर्ड। तो भैया कह रहा है R1 का है 10 ओम, R2 का है 12 ओम, तो तीसरे वाले का क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या दिमाग लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम दिमाग लगाते हैं कि भाई साहब ये ना जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल का है, अगर पैरेलल का है तो पैरेलल में लगता है 1/R net, जो कि होता है 1/R1 जो कि 10 दे रखा है, 1/R2 जो कि क्या दे रखा है 12, और निकालना क्या है हमें, R3 निकालना है। अब मुझे R3 तभी मिलेगा जब मुझे R net कहां से पता लगेगा, तो उसने गलती करी, क्या गलती करी, क्वेश्चन बनाने वाले ने इजी कर दिया, करंट दे दिया, नेट करंट दे दिया और नेट वोल्टेज दे दिया, नेट वोल्टेज और नेट करंट से हम निकाल लेंगे R net, आर नेट निकल जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा फिर, R3, क्योंकि पैरेलल की बात की गई है। तो फटाफट काम करते हैं, तो हम कहते हैं भैया देखो V = IR से आपने नेट वोल्टेज दिया 30, नेट करंट दिया आपने 7.5, तो भाई साहब यहां से मैं निकाल लूंगा आर नेट 30/75, पता नहीं कितनी बार में कटेगा ये, तो ये आर आ जाएगा आर नेट, ये आपका आर नेट है, आर नेट, क्योंकि आपने नेट करंट और नेट वोल्टेज यूज किया है। तो जैसे ही आपका आर नेट आ जाएगा, उस आर नेट को आप यहां पुट कर देंगे और आर थ्री यहां से निकल जाएगा, तो बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लो।